हे hey गाइस, कैसे हैं आप सब। और एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल अल्ट्रा फैक्ट्स में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दुनिया के चार ऐसे समझदार जानवर जिनकी समझदारी देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो बने रहिए वीडियो के आखिर तक। जानवरों के दिमाग की ताकत को समझना एक बेहद ही मुश्किल काम है, और एनिमल के इंटेलिजेंस और उनके चीज़ों को देखने के नज़रिए को समझने के लिए बहुत से साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स भी किए जाते हैं। इन एक्सपेरिमेंट्स की मदद से हमें जानवरों के इंटेलिजेंस को समझने का मौका मिला है। तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ उन टॉप 4 एनिमल्स के बारे में जिनकी समझदारी के चर्चे दुनिया भर में मशहूर है। तो 4th पोजीशन पर है गोरिल्ला। गोरिल्लास पूरी दुनिया में अपनी जबरदस्त ताकत और गुस्सैल व्यवहार के लिए जाने जाते हैं। आप में से ज्यादातर लोग ये सोचते होंगे कि गोरिल्लास बेहद खूंखार होते हैं, पर सच्चाई तो ये है कि गोरिल्लास काफी समझदार और सुलझे हुए जानवर होते हैं, जो हंसते भी है, नई चीजें सीखते भी है, स्ट्रॉन्ग फैमिली बॉन्ड्स भी बनाते हैं, और पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में बिल्कुल हमारी तरह सोचते भी है। और चलिए अब मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गोरिल्ला के बारे में बता देता हूँ, जिसके बारे में सुनकर आपको ये अंदाज़ा लग ही जाएगा कि गोरिल्ला कितने हद तक समझदार हो सकते हैं। तो गाइज, मैं बात कर रहा हूँ एक फीमेल वेस्टर्न लोलैंड गोरिल्ला की, जिसका नाम था कोको। कोको का जन्म 4 जुलाई साल 1971 में हुआ था। बचपन से ही कोको साइन लैंग्वेजेस में बात करना जानती थी, यानी इसे एक ऐसी भाषा सिखाई गई थी जो सिर्फ इशारों में की जा सकती है, और इन्हीं इशारों से कोको काफ़ी बातें कर लिया करती थी। कई बार कोको अपने मालिक के साथ मजाक भी किया करती थी, और कोको को बिल्ली के बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद थे, और वो इन बच्चों को बिल्कुल अपने बच्चों की तरह पालती और प्यार करती थी। अब एक इंटरेस्टिंग बात सुनिए। एक इंटरव्यू के दौरान कोको के मालिक ने यह बताया था कि कोको जीवन और मृत्यु के बारे में बहुत अच्छे से जानती है, और किसी के मरने पर वो दुख भी जताती है। और जब उससे पूछा जाता है कि मरने के बाद गोरिल्लास कहाँ जाते हैं, तो वो इशारों में ये कहती है कि मरने के बाद गोरिल्लास एक बहुत ही सुकून और शांति वाली जगह पर जाते हैं, जहाँ वो बेहद खुश होते हैं। कोको की ओनर और ट्रेनर के अनुसार कोको इशारों में बहुत बातें किया करती थी, और वो नई चीज़ें सीखना पसंद करती थी। उसे खिलौने और बच्चे बेहद पसंद थे, और वो किताब में अपना नाम पढ़कर बेहद खुश भी होती थी। कोको की समझदारी को बताने के लिए और भी बहुत कुछ है, पर फिर वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो अगर आप कोको के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। वैसे दुख की बात यह है कि 19 जून 2018 में कोको की मौत हो गई, पर कोको हमें ये बात बता गई कि गोरिल्ला सच में अमेजिंग होते हैं। 3rd पोजीशन पर है एलिफेंट्स। हाथी का दिमाग सारे ज़मीनी जानवरों में सबसे बड़ा होता है। इनके दिमाग का वज़न 5 किलो होता है। हाथी काफ़ी सतर्क होते हैं, ये अपने आप को आईने में पहचान सकते हैं, और ये खेलना पसंद करते हैं। पर सबसे अमेजिंग बात यह है कि हाथी कभी भूलते नहीं हैं, और इनकी मेमोरी काफ़ी अच्छी होती है। 2nd पोजीशन पर है चिंपैंजीज। चिंपैंजीज और इंसानों का डीएनए काफ़ी मिलता जुलता है, और जो कि चिंपैंजीज हमसे काफ़ी मिलते जुलते हैं, तो इसमें कोई शक की बात नहीं कि वो काफ़ी समझदार भी होंगे। चिंपैंजीज अपने आप को मिरर में पहचान सकते हैं, ये गेम्स खेलना पसंद करते हैं, किसी की मौत पर दुख भी जताते हैं। इंसानों की तरह चिंपैंजीज में भी काफ़ी इमोशंस होते हैं, और ये हमसे कम्युनिकेट करने के लिए साइन लैंग्वेजेस यानी इशारों की भाषा भी सीख सकते हैं। इनकी ज़बरदस्त समझदारी के कारण इन्हें कई साइकोलॉजिकल, मेडिकल और बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स में ऑब्जर्व किया जाता है। इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स के बीच ये भी पता चला है कि जवान चिंपैंजीज अपने ट्रेनर से इमोशनली काफ़ी ज़्यादा जुड़ जाते हैं। फिलहाल सबसे समझदार जिंदा चिंपैंजी का नाम केंजी है, जिसकी उम्र 39 ईयर्स है। केंजी बहुत ज़्यादा समझदार है। केंजी खुद से औजार बना सकता है। इसे ऑमलेट खाना पसंद है, और ये आग जलाकर खुद ऑमलेट पका भी सकता है, और इंग्लिश के 3000 शब्दों को केंजी अच्छे से समझता है, और इशारों में बात भी करता है, यानी इसे साइन लैंग्वेजेस भी अच्छी तरह से आती है। वैसे केंजी की बहन पेन बनीशा इंग्लिश के 6000 शब्दों को समझती थी, पर 2012 में उसकी डेथ हो गई। यहाँ एक वीडियो में आप देख सकते हैं कि केंजी किस तरह अपने बेटे टैको का डायपर बड़े प्यार से चेंज कर रहा है। इसी के साथ एक वीडियो में आप ये भी देख सकते हैं कि केंजी किस तरह टैको के साथ खेल रहा है। इससे आप केंजी की जबरदस्त समझदारी का और चिंपैंजीज की समझदारी का अंदाजा लगा ही सकते हैं। 1st पोजीशन पर है रेवंस एंड क्रोज। कौओं की सारी प्रजाति ही काफी समझदार होती है। अब मैं आपको बताता हूँ रेवंस की समझदारी से रिलेटेड कुछ अमेजिंग फैक्ट्स।
रेवेंस अकेले ऐसे पंछी है जो बहुत बेहतरीन तरीके से खुद के औजार यानी टूल्स बनाते हैं। कौवे इंसानी शक्लों को पहचानते हैं और उन्हें लंबे समय तक याद भी रख सकते हैं। कौवों का दिमाग किसी 7 साल के इंसानी बच्चे के बराबर होता है। कौवे आपस में काफ़ी अच्छे से कम्युनिकेट भी करते हैं और कौवे इंसानों की तरह हैंड जेस्चर्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम किसी चीज़ की तरफ अपने हाथों से इशारा करके बताते हैं, बिल्कुल उसी तरह कौवे किसी चीज़ की तरफ अपनी चोंच से इशारा करते हैं। और इंसानों के बाद ये अकेले ऐसे क्रीचर है जो ऐसा अनोखा बर्ताव करते हैं। कौवे या रेवेंस खुद के खिलौने बनाकर उनसे खेलते हैं, और बस इतना ही नहीं बल्कि रेवेंस हमारी तरह बात करना भी सीख सकते हैं। जी हाँ, रेवेंस कुछ पैरट्स से भी ज़्यादा अच्छी तरह से बात कर सकते हैं। स्नो से लेकर डेजर्ट तक रेवेंस किसी भी जगह पर आराम से रह सकते हैं। ये दूसरे जानवरों से बड़ी समझदारी के साथ उनका खाना भी चुरा लेते हैं, और बेहद शरारती होने के बाद भी इनमें हमारी तरह काफ़ी इमोशंस होते हैं। सच में ये सारे जानवर काफ़ी अमेजिंग हैं और इनके बारे में जानना भी बेहद इंटरेस्टिंग था। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिए। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।